आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास जिले में 24 नवंबर बुधवार को कोविड टीकाकरण महाअभियान जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। कोरोना का वो भयावह रूप हमने देखा है, अभी वक्त है संभलने का। कोरोना बीमारी से स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोविड के दोनों टीके लगवाएं, किसी भ्रांति में न आए। हमारी और परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, याद रखें 24 नवंबर बुधवार को दोनों टीके लगाना है। दोनों टीके लगवाएं, टीकाकरण महाअभियान आपकी सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। सभी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीके उपलब्ध हैं। देवास कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जिले वासियों के लिए अपील की है कि वैक्सीनेशन 24 नवंबर बुधवार को वैक्सीन महाअभियान में अब कोई भी नागरिक दोनों डोज लगाने से न छूटे। कोरोना वैक्सीनेशन में सब भागीदारी बने, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, हमें स्वयं और परिवार समाज की सुरक्षा करना है। कोविड को हराने के लिए वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है। एक एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज लगेंगे तभी हम सब सुरक्षित होंगे, इसलिए नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर टीके लगाए जा रहे हैं। देवास जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान 24 नवंबर को भी चलाया जा रहा है। सभी को पात्र व्यक्ति वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाए। देवास जिले में टीकाकरण सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का किया जा रहा है। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं का टीकाकरण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कोविड की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीके सुरक्षित हैं।